바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। एक्चुअली मैं सुबह सुबह उठी और ये है हमारी आज थोड़ा सा एक नाश्ता कर लिया हमने और ये है मेरी ईद की ड्रेस। एक्चुअली मेरे पास दो ड्रेस आ गए थे तो मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं, तो मैंने बस डिसाइड कर लिया। मैं एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पाई, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिसाइड करके दिए कि जो रेड वाला है वही पहन ले आप। बस मैं पहन मतलब शाम को हमारा फंक्शन है तो मैं बस उसको रेडी करके अपना मैंने पूरा आज मेकअप वेकअप सब कुछ कर लिया और अपनी बेटी को ले कर हम निकल पड़े दावत की तरफ। यहाँ पे क्या होता है कि रात को ईद के टाइम नमाज वमाज पढ़ के सब लोग आके ना सो जाते और रात को कोई कोई दावत जिनके फैमिली होती है उनके दावत मिल जाते हैं तो हमें बस दावत मिल गई और ये मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत खेल रही है। ईद के नेक्स्ट दिन का है, मैंने अपने बेटी को अच्छे से नहावा लिया। ये देखिए कितना सूरज सामने मतलब सर के सामने निकलता है तो मैं सोची कि आज हम शाम को कहीं घूमने जाए तो हम ना पहले क्या हुआ हमारे साथ सीन हो गया। आज इतना गुस्सा आया हमको, पहले तो हम गए थे ग्लोबल विलेज के लिए, इतना ट्रैफिक जाम था तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पे हमको अच्छा खासा वो मिल जाएगा। दुबई जुमेरा बीच उसका नाम है तो हम सोच रहे कि उसको जाए और उसका हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर था और एक समझ लो 50 मील। पर हम इतना घूमे मतलब इतनी ट्रैफिक जाम इतनी, तो मतलब इतना गुस्सा है, सोचने लगे कि यार हमारे साथ ही होना था क्या। और छुट्टी का दिन था तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता है दुबई पे सारे लोग ये 4-5 दिन छुट्टी रहती है ना तो आसपास देशों से या कंट्री से सब लोग घूमने आते हैं तो इतना ट्रैफिक जाम, मैंने फ़र्स्ट टाइम दुबई में आने से बाद ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा कि इतना ट्रैफिक जाम। तो मेरे एक भाई ने बोला कि तुमको चलो हम कहीं और चले जाते जहाँ पे थोड़ा सा कम वो होगा, जो अटलांटिक है वहाँ के पास में एक ओशन वगैरह उधर ही देख लेंगे और वहाँ पे एक्वेरियम बड़ा वाला है वो भी देख लेंगे। पर हम इतने बड़े ट्रैफिक में फंसे थे, मुझको इतना बुरा लग रहा था तो बस हम निकल आए वहाँ से। और यहाँ पे जो अटलांटिक का एक 5-star या 7-star होटल है वो तो पता नहीं, पर उसके पास एक छोटा सा मॉल होता है और जहाँ पे एक बड़ा वाला एक्वेरियम है जो फिश वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो बस मेरे वो भाई जो मेरे हस्बैंड के दोस्त और मेरे हस्बैंड बोल रहे कि चलो कोई नहीं, कुछ ना सही तो कुछ सही, हम ईद के दूसरे दिन हम आए तो थोड़ा सा घूम लेते। तो मुझे तो वैसे तो मुझे ग्लोबल विलेज जाना था या तो जुमेरा बीच, भी बहुत अच्छा खासा जुमेरा बीच था। हम नेक्स्ट डे अभी अगर जाए तो मैं उसका वीडियो अच्छे से करके दूंगी, वो बहुत अच्छा खूबसूरत बीच है। तो बस हम उसी एक साथ में मतलब वो जो होटल है ना उसी के पास एक मॉल होता है वहाँ पर हम निकल गए। वो होटल शायद 7-star का होगा। ये सारे जो फॉरेनर लोग हैं वहाँ पर वो लोग आते हैं यहाँ ज़्यादातर ना, यहाँ इस साइड पर ज़्यादातर आपको शाहरुख खान की मूवी में दिखने को मिल जाएगा क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ के साइड में जो मूवीज़ होती है ना मूवीज़ की शूटिंग यहीं पे होते हैं। और आपको पता है मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसी साइड पे शाहरुख खान की विला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ख़रीद के रखे हैं।
और ये है ये मॉल, ये आई थिंक इसका थोड़ा सा मतलब फॉरेन का टच है, जहाँ पे आपको डिस्को भी मिल जाएगा, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं बस हम देख लेते चल चल के मुझे अच्छा लगा उसका इंटीरियर, बस इतना लाइक एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा फैमिली के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर कोई नहीं, एक एक्वेरियम है बड़ा वाला, वो भी देख के आ जाएंगे हम। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा थोड़ा सा शॉप है वगैरह वगैरह, और सबसे बेहतरीन बता वो जो अटलांटिक्स मूवी में एक चेयर था ना जो किंग का था, वो हमको मिल गया था, और हम फोटो खींचने के लिए लाइन पे लग गए थे। और मेरी बेटी ने एक आंटी को देख इतना हंस रही थी, उसको शायद उसकी दादी या नानी की तरह लग रही थी उसको, वो इतना देख रही थी कि मतलब उससे बातें किए बिना रह नहीं पा रही। तो बस हम निकल पड़े वहाँ से, और यहाँ पे रोलेक्स की वॉच दिख मतलब दिखा, तो सारे लोग ही घूम घूम के देख रहे, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बहुत मस्त मस्त एक एनवायरनमेंट था। मैंने तो ज़्यादातर फॉरेन लोग ही देखे, इंडियन लोग मैंने बहुत कम देखे, और मुझे ये ना नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं लौट के वापस इसको देख रही थी, डायमंड का है शायद पता नहीं, पर बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सारे इंटीरियर वगैरह पूरा एक जो फिश वगैरह उसी के साथ बनाया है। और ये है एक्वेरियम, ये बहुत बड़ा एक्वेरियम है, अटलांटिक का नीचे का है वो सीन, ये बहुत सारे। मैं ये यहाँ पे मुझे वो मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम लेके आए थे, यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं ना एक्चुअली मेरे सर पे वो जो म्यूज़िक बज रहा था ना, जो म्यूज़िक लाइट चल रहा था, वो मेरी बेटी का बेल्ट था, और मैं वो नहीं पहन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही पहन लूँ क्या फ़र्क पड़ता है बेटी पहने या माँ पहने, बात तो एक ही है ना। वैसे भी उसकी दी हुई ईदी भी मेरी ही पास है मैं उसको संभाल के, मतलब ईदी वैसे तो मैं इसके पैसे खर्च नहीं करूँगी, तो पर अपना ही समझ के रख लेती हूँ बस ये मैंने ना ज़िंदगी में पहली बार इतने सारे मछली एक साथ देखे, पता नहीं ये यहाँ पे शायद कुछ पता नहीं ये नीचे का हिस्सा है, ये देखो ये था, मैंने ये इसको पहली बार देखा है, पता नहीं क्या कौन सा फिश है, बहुत मस्त चल रहा था। और मेरी बेटी भी बहुत शौक़ से उसको इंजॉय कर रही थी। कुछ दिन पहले जब मेरी रईसा का बर्थ हुआ था ना, तो मेरे सास ससुर भी आए थे, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अरे यार अम्मा को लेके आना चाहिए, तैयार देखते तो उतना मज़ा आता उनको पर हम ना वो उसी वक्त आए जब रईसा का जन्म हुआ, तो वो भी घूम नहीं पाए मेरी वजह से, बेकार में उनका ये हो गया, घर बैठे बैठे वो उनका 3 महीना वैसे ही गुजर गया, कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। और ये है मछली, पता है वो कितना सारे मछली, मैं जब आँखों से देख रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और एक अजीब फील हो रहा था कि इतने सारे मछली है, ये कैद है कि लाइक ये खुशी से है, या ये पूरा एक वैसे भी जो अटलांटिक का मूवी का एक मूवी देखे थे आप लोगों ने, जो फील होता है ना एक अचानक सी एक अच्छी वाली फीलिंग और एक बुरी वाली फीलिंग वो भी हो जाता है, अगर ये कैद नहीं है तो सही है, अगर ये लोग कैद है ना तो मतलब क्या करें, अभी सारे लोग जो जानवर लोग हैं उनको तो कैद करके ही रखते हैं ज़्यादातर शो के लिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्वेरियम है, मुझे लगता नहीं कि ये कैद के हिसाब से रह रहे, ये क्या फिश है, कौन सा वाला, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कौन सा वाला फ़िश है, मुझे तो इतना ख़ास आइडिया नहीं है, और मैंने देखा नहीं, अगर गूगल में सर्च करती तो शायद मुझे मिल जाता। होपफुली आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, और ये जगह भी अच्छी लग रही है, और यहाँ पे कुछ लोग वीडियो भी कर रहे हैं, और हम मुझे ना इस जगह का जो इंटीरियर डिज़ाइन है और सब कुछ मुझे इतना ख़ास अच्छा लगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं और ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगी, और कहाँ हमने खाना खाया वो भी दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़, सब खैरियत रहे, और अपने मॉम डैड को मेरा सलाम बोलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।